व्हाट्स अप एवरीबॉडी, बैक टू ज़ेड 46 व्लॉग्स। और लास्ट वीडियो यामाहा RX 100 का कस्टमाइजेशन, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू फॉर दैट। और अभी उसके लिए वी आर मेकिंग अ न्यू कस्टमाइजेशन वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, सो वॉच टिल द एंड एंड डू सपोर्ट अगेन। तो ये है मेरे रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 2013 or 2014, आई गेस, याद नहीं है, बट बहुत ही मिंट कंडीशन में पड़ी हुई है गाड़ी। मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ कर रहा था, वैसे तो अभी मेरे अंकल चला रहे थे, बट अभी तो वो भी नहीं चला रहे, तो कम से कम 2-3 महीने से तो बंद पड़ी है। और हालत तो आप देख ही सकते हो वीडियो में, क्या हालत हुई है बाइक की। सो लेट्स वॉश इट एंड थोड़ी बहुत चलाने लायक तो कर दे इसको अभी। तो काफ़ी कश्मकश के बाद मतलब बोल्ट है ना, सब ऐसे जंग खा गए थे, बहुत पुरानी मोटरसाइकिल और कोई चला नहीं रहा था, इतने सारे रेनी सीजन्स देखे ना इसने, पूरे बोल्ट्स ख़राब हो गए थे, तो एक एक करके बोल्ट्स काटे। बट फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो हैव अ लुक। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, राजा डे 2। और अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं टैंक, सो सीधा कस्टम टैंक। तो आज का पूरा सैटरडे तो मतलब ऐसे बाइक का फिटिंग्स, वायरिंग, जो भी इनकम्प्लीट काम था उसमें ही चला गया है। सो अब मॉडिफिकेशन वर्क इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, अभी तो बाइक का ऐसे खुली पड़ी है, कुछ मिलता है सुबह मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आज है day 4 और अभी मैं काम कर रहा हूँ टैंक पे, टैंक को थोड़ा सा रिपेयर कर रहा हूँ। हैव अ लुक एट द टैंक, मतलब ये अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट प्रोजेक्ट हो चुका है, क्योंकि चेसी वर्क, डिटेलिंग, जंपर सब में बहुत टाइम लग गया। सो अभी तो मैं रिपेयर कर रहा हूँ। सो कल के लिए पूरा सेटअप भी रेडी है, मतलब ऐसे देख सकते हो, यहाँ पेंट सेटअप रेडी है, कवरिंग क्लिक पेपर्स रेडी है, वेल्डिंग स्टाफ रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो कल शुरू करते हैं मॉडिफिकेशन, तब तक के लिए स्टे कूल।